हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉटन कैंडी क्राफ्ट्स। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये प्यारा सा हिप्पो कैसे बनाया है, और इसके लिए मैंने यूज़ किया है 4-ply का यार्न इन ब्लू, स्काई ब्लू कलर में एक्चुअली, देन ये येलो, ग्रीन और वाइट एंड ब्लैक कलर का यार्न। इसके साथ मैंने यूज़ किया है 2mm का क्रोशे हुक। और अगर आपके बनाए हुए हिप्पो को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बनाए हुए हिप्पो को मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँ तो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए सीखते हैं बनाना ये हिप्पो। हेड बनाने के लिए हम पहले 25 चेन से स्टार्ट करेंगे, 25 चेन्स। और ये मैं ब्लू, स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। लास्ट वाला स्टिच है इसको हम स्किप करेंगे, और बाकी जो फर्स्ट वाला स्टिच है उसमें हम एक इंक्रीज करेंगे, और रेस्ट 22 स्टिचेस हैं उसमें हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। और जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें अगेन हम एक इंक्रीज करेंगे, तो इस साइड में हमारे पास टोटल 26 स्टिचेस बन गई हैं। और नाउ अभी हम इसको नेक्स्ट साइड में लेते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर प्लेस कर लेती हूँ, जिससे ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट साइड, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाए। तो सेम पैटर्न में जो फर्स्ट वाला स्टिच है नेक्स्ट साइड का, वहाँ पर हम एक इंक्रीज करेंगे, और बीच के 22 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, और जो लास्ट स्टिच है उसमें एक इंक्रीज करेंगे। तो सेम वे में इस साइड में भी हमारे पास 26 स्टिचेस बन जाएंगी। नाउ नेक्स्ट सेम वे में यहाँ पे मैं एक स्टिच मार्कर प्लेस कर लेती हूँ। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो जो ये हम लोगों ने जो यार्न से स्टार्ट किया तो उसका जो एंड पार्ट है उसके अपोजिट में हमारा राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर अभी हम इसको जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट साइड में, तो सेम अगेन फर्स्ट वाले स्टिच में हम एक इंक्रीज करेंगे, और बाकी के बीच में जो 24 स्टिचेस है उसमें हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। लास्ट के स्टिच में एक इंक्रीज करेंगे, तो इस साइड में हमारे पास अभी 28 स्टिचेस बननी चाहिए। सेम वे में नेक्स्ट साइड भी है वो हम बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में एक इंक्रीज, और बीच के 24 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, और लास्ट के स्टिच में एक इंक्रीज। ओके, सो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी सेम वे में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक स्टिच में एक इंक्रीज के साथ, और बीच के 26 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस बार, और लास्ट के एक स्टिच में एक इंक्रीज। सेम वे में जो नेक्स्ट साइड है हम वो भी वैसे ही बनाएंगे, एक फर्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, और बीच में 26 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे, और लास्ट का जो एक स्टिच है उसमें एक इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम फर्स्ट स्टिच में एक इंक्रीज करेंगे, और बीच के 28 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, और लास्ट में जो एक स्टिच बच जाएगा उसमें हम अगेन एक इंक्रीज करेंगे। सेम वे में हम इसका नेक्स्ट साइड भी कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट साइड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास दोनों साइड 32 स्टिचेस बनने चाहिए। नेक्स्ट राउंड में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, फर्स्ट स्टिच में हम एक इंक्रीज करेंगे, और बीच के जो 30 स्टिचेस हैं उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे, और लास्ट का जो एक स्टिच है उसमें हम एक इंक्रीज करेंगे। सेम वे में हम जो नेक्स्ट साइड है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास
34 इस साइड में और 34 इस साइड में, तो टोटल 68 स्टिचेस बन जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 68 स्टिचेस बन गई हैं, इसके ऊपर हम 8 रोज सिंगल क्रोशे करेंगे बिना कुछ इंक्रीज किए हुए। 8 रोज कंप्लीट होने से पहले 4 स्टिचेस पहले ही दूसरा स्टिच मार्कर प्लेस कर लेती हूँ। फिर जो फर्स्ट 2 स्टिचेस होंगे उनको मैं डिक्रीज करूँगी और बाकी 2 स्टिचेस हैं उसमें एक एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके आगे 3 एडिशनल सिंगल क्रोशे, तो टोटल हमारे पास बीच में 5 सिंगल क्रोशे बन जाएंगी डिक्रीज के बीच में। फिर अगेन यहाँ पे हम एक डिक्रीज करेंगे, देन नेक्स्ट 25 सिंगल क्रोशे करेंगे। 25 स्टिचेस के बाद एक डिक्रीज करेंगे और 5 सिंगल क्रोशे बीच में, अगेन एक डिक्रीज, देन सिंगल क्रोशे ऑन 25 स्टिचेस। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और अभी हमारे पास टोटल 64 स्टिचेस बच जानी चाहिए। नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करेंगे अगेन एक डिक्रीज के साथ। बीच में 5 सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज और 23 सिंगल क्रोशे 23 स्टिचेस के ऊपर, एक डिक्रीज, 5 सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज करेंगे और बाकी के 23 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे। हमारे पास टोटल 60 स्टिचेस बच गई हैं। नाउ जो 60 स्टिचेस हैं इसके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे करके टोटल 8 रोज बना लेंगे। 8 रोज कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अभी मैं क्या करूँगी, जो स्टिच मार्कर हमने बीच में यहाँ पे प्लेस किया था, मैं इसको अगेन सेम पुराने वाले लेवल पर प्लेस करूँगी इसको मैं। फिर हम 28 सिंगल क्रोशे करेंगे। 28 सिंगल क्रोशे के बाद एक डिक्रीज करेंगे फिर नेक्स्ट साइड अगेन 28 सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट में एक डिक्रीज। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल 58 स्टिचेस बच जाने चाहिए। नेक्स्ट राउंड में हम 27 सिंगल क्रोशे करेंगे फर्स्ट में और एक डिक्रीज, फिर 27 स्टिचेस और लास्ट में एक डिक्रीज। और ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल 56 स्टिचेस बच जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट राउंड में हम 26 सिंगल क्रोशे करेंगे फर्स्ट में, फिर एक डिक्रीज करेंगे, देन फिर अगेन 26 सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट में एक डिक्रीज करेंगे। राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल 54 स्टिचेस बच जाने चाहिए। नेक्स्ट राउंड में हम लोग 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 डिक्रीज करेंगे और ये पैटर्न हम टोटल 9 टाइम्स करेंगे, जिससे कि हमारे पास टोटल 9 डिक्रीजेस हो जाए और राउंड के एंड में 45 स्टिचेस बच जाए। नेक्स्ट राउंड में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और 1 डिक्रीज करेंगे और सेम पैटर्न हम टोटल 9 टाइम्स फॉलो करेंगे और राउंड के एंड में हमारे पास 36 स्टिचेस बच जाने चाहिए। नेक्स्ट राउंड में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 डिक्रीज करेंगे और सेम पहले की तरह पैटर्न 9 टाइम्स फॉलो होगा और राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल 27 स्टिचेस बच जानी चाहिए। सो
सो नाउ अभी ये राउंड कंप्लीट हो गया है और लास्ट टाइम हमारे पास 27 स्टिचेस बच गई है, तो अब मैं इसको स्टफ कर लेती हूँ हेड को। ये स्टफिंग कर लेने के बाद ये इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा इसको फ्लैटन कर लीजिएगा, शेप में ना लीजिएगा हाथ से। फिर अभी इसको हम फर्दर डिक्रीज नहीं करेंगे, अभी हम इसको जो ओपनिंग है इसको हमको सील करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा जहाँ पे अभी हम हुक हैं उसको हम इसका जो साइड वाला है लेवल उसके साइड में ले लेंगे और इन दोनों ओपनिंग्स को हम सिंगल क्रोशे से सील करेंगे। ये मैंने टोटल 13 सिंगल क्रोशे यूज़ करके इसको सील कर लिए। अगर आप चाहें तो इसमें हुक की जगह पे नीडल भी यूज़ कर सकती हैं। फिर इसको एक स्लिप स्टिच और यार्न को मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो ये हमारा हेड रेडी हो गया हिप्पो का। नेक्स्ट टाइम इसका बॉडी बनाते हैं, उसके लिए भी हमें सेम 21 चेन से स्टार्ट करेंगे हम। 21 और जो लास्ट वाला चेन है उसको हम स्किप करेंगे और उसके जो नेक्स्ट वाला चेन है वहाँ पे हम एक इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे करेंगे एक चेन में और रेस्ट जो 18 चेन्स हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशे। और जो लास्ट चेन बचा था उसमें एक इंक्रीज करेंगे। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है कंप्लीट हो गया है और ये कंप्लीट होने के बाद हमारे पास टोटल 18, 19, 20, 21, 22 स्टिचेस बननी चाहिए इस साइड में। सेम पैटर्न हम नेक्स्ट साइड में भी फॉलो करेंगे, उससे पहले स्टिच मार्कर प्लेस कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। सेम वे में जो फर्स्ट वाला चेन है उसके ऊपर एक इंक्रीज करेंगे और 18 आगे की 18 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशे, 18 सिंगल क्रोशे और लास्ट का जो चेन है उसमें एक इंक्रीज। तो ये साइड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारे पास अभी टोटल 44 स्टिचेस बन गई है। यहाँ पे मैं अगेन एक स्टिच मार्कर प्लेस कर लेती हूँ। सेम वे में जैसे हमने हेड के लिए किया था, जहाँ पे ये एंड है यार्न का जिससे हमने स्टार्ट किया है बॉडी, उसके अपोजिट में हमारा ये जो राउंड है वो कंप्लीट होगा, हाफ साइड मिला के। नेक्स्ट राउंड में हम एक इंक्रीज करेंगे फर्स्ट स्टिच के ऊपर, 20 सिंगल क्रोशे करेंगे 20 स्टिचेस के ऊपर और जो लास्ट वाला स्टिच है उसके ऊपर एक इंक्रीज। सेम वे में नेक्स्ट दी अदर साइड है उसमें भी हम वैसा ही करेंगे, फर्स्ट स्टिच में एक इंक्रीज करेंगे, बीच में 20 सिंगल क्रोशे और लास्ट के स्टिच में एक इंक्रीज और राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 48 स्टिचेस बन जाने चाहिए। नेक्स्ट राउंड में हम थोड़ा सा इंक्रीज करने का पैटर्न चेंज करेंगे, पहले एक सिंगल क्रोशे करेंगे फिर एक इंक्रीज करेंगे फिर 20 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज और लास्ट में एक सिंगल क्रोशे। सेम पैटर्न फॉलो करके जो नेक्स्ट साइड है वो भी कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज, बीच में 20 सिंगल क्रोशे
और लास्ट में वन इंक्रीज और वन सिंगल क्रोशे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है और राउंड के एंड में हमारे पास 52 स्टिचेस बन जानी चाहिए। नेक्स्ट रो में हम दो सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, देन अगेन 20 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक इंक्रीज करेंगे और लास्ट में दो सिंगल क्रोशे। एक साइड कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट साइड के लिए भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। दो सिंगल क्रोशे, वन इंक्रीज, बीच में दो 20 सिंगल क्रोशे, वन इंक्रीज और लास्ट में दो सिंगल क्रोशे। ये राउंड कंप्लीट हो गया, राउंड के एंड में हमारे पास 56 स्टिचेस बन जानी चाहिए। नेक्स्ट राउंड में तीन सिंगल क्रोशे करेंगे, वन इंक्रीज और बीच में 20 सिंगल क्रोशे और अगेन एक इंक्रीज और थ्री सिंगल क्रोशे। सेम वे में नेक्स्ट साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये तो टोटल हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और राउंड के एंड में हमारे पास 60 स्टिचेस बन गई हैं। तो अभी हम इंक्रीज करने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे और इसके लिए मैं करने वाली हूँ एक सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज, फिर दो सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज और 20 सिंगल क्रोशे। फिर एक इंक्रीज दो सिंगल क्रोशे वन इंक्रीज और लास्ट में अगेन एक सिंगल क्रोशे। तो सेम पैटर्न फॉलो करके जो नेक्स्ट पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। रो के एंड में हमारे पास टोटल 68 स्टिचेस बन जानी चाहिए। नेक्स्ट राउंड में जो हाफ पोर्शन है, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं हाफ हाफ करके बना रही हूँ। तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें हम दो सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज, देन बीच में तीन सिंगल क्रोशे, फिर वन इंक्रीज और 20 सिंगल क्रोशे, वन इंक्रीज, थ्री सिंगल क्रोशे, वन इंक्रीज और लास्ट में टू सिंगल क्रोशे। सेम पैटर्न को फॉलो करके सेकेंड दूसरा जो पोर्शन हाफ है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये अभी टोटल राउंड कंप्लीट हो गया है और राउंड के एंड में हमारे पास 76 स्टिचेस बन गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम जो 76 स्टिचेस हैं उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, बट ओनली बैक लूप्स में करेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अभी हम जो 76 स्टिचेस हैं उसके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे करके टोटल 8 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। 8 रोज़ कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। स्टिच मार्कर को मैं यहाँ ऊपर प्लेस कर लेती हूँ। अभी हम डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डिक्रीज करेंगे, फिर 8 सिंगल क्रोशे करेंगे, देन अगेन 1 डिक्रीज, नेक्स्ट 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज, टेन सिंगल क्रोशे, अगेन वन डिक्रीज, देन अगेन 20 सिंगल क्रोशे, वन डिक्रीज, और 8 सिंगल क्रोशे।
और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हमारे पास 71 स्टिचेस बच गए हैं राउंड कंप्लीट होने के बाद। अगले राउंड में हम अगेन 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद 6 सिंगल क्रोशे, देन अगेन 1 डिग्रीज, 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 9 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 6 स्टिचेस में 1 सिंगल क्रोशे। राउंड कंप्लीट हो गया। राउंड के एंड में हमारे पास 66 स्टिचेस बच जानी चाहिए। नेक्स्ट राउंड में हम अगेन 1 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे, 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। देन 4 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 8 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, और लास्ट में 4 सिंगल क्रोशे। और इस राउंड के एंड में हमारे पास 61 स्टिचेस बच जानी चाहिए। नेक्स्ट राउंड में अगेन 1 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज फिर से, 7 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 1 डिग्रीज, 20 सिंगल क्रोशे, 1 डिग्रीज, और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। और राउंड के एंड में 56 स्टिचेस बच जानी चाहिए। नेक्स्ट हम डिक्रीज का थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, तो इसके लिए मैं पहले 2 डिक्रीजेस करूँगी, फिर 20 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 1 डिक्रीज, फिर 6 सिंगल क्रोशे, और अगेन 1 डिक्रीज करेंगे साइड में, फिर 20 सिंगल क्रोशे, और लास्ट में 1 डिक्रीज। अभी हमारे पास 51 स्टिचेस बच गए हैं। नेक्स्ट राउंड में भी सेम 2 डिक्रीज से एक साथ स्टार्ट करेंगे। Then 18 सिंगल क्रोशे, फिर 1 डिक्रीज, 5 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज, 18 सिंगल क्रोशे अगेन, और लास्ट में 1 डिक्रीज। राउंड कंप्लीट होने के बाद 46 स्टिचेस बच गई हैं। नेक्स्ट राउंड में हम स्टार्ट करेंगे 3 डिक्रीजेस के साथ, और उसके बाद 12 सिंगल क्रोशे करेंगे, 12 सिंगल क्रोशे, फिर 2 डिक्रीज करेंगे बीच में,
दो सिंगल क्रोशे, दो डिक्रीजेस, फिर 12 सिंगल क्रोशे, फिर 3 डिक्रीजेस लास्ट में। और फाइनली हमारे पास 36 स्टिचेस बच गई हैं। अभी इसमें हम स्टफिंग कर लेते हैं। इसके बॉडी में स्टफिंग करने के बाद मैंने यह दोनों पोर्शन को नीडल से सिलना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको सिंगल क्रोशे से भी दोनों साइड को सिक्योर कर सकते हैं। स्टिच करने के बाद ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्क्वीज करके दोनों साइड इसको ट्रायंगुलर शेप में इसको सिलेंगे, क्योंकि इस वाले पोर्शन में बाद में हेड आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में बना रहे हैं। बस लास्ट में यार्न को सिक्योर करके इसको कट कर लेंगे। बॉडी रेडी हो गया है। नाउ हम इसके जो चार पैर हैं वो बना लेते हैं। वो हम येलो कलर से बनाएंगे उसको, और उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे अगेन मैजिक रिंग से। मैजिक रिंग में हम टोटल 6 स्टिचेस हैं उसका यूज़ करेंगे। स्टिच मार्कर प्लेस कर लेती हूँ यहाँ पे मैं। फिर सभी जो 6 स्टिचेस हैं सभी में हम एक एक इंक्रीज करेंगे, जिससे लास्ट में हमारे पास 12 स्टिचेस बन जाएंगी। फिर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे और सेम पैटर्न को फॉलो करके राउंड कंप्लीट करेंगे, और राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस बन जानी चाहिए। अगले राउंड में दो सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज और राउंड कंप्लीट करेंगे, और राउंड के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस बन जानी चाहिए। अगले राउंड में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे और राउंड कंप्लीट करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करके राउंड के एंड में टोटल 30 स्टिचेस बन जानी चाहिए। राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमारे 30 स्टिचेस हैं सबके ऊपर हम जो बैक लूप्स हैं वहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे सभी 30 स्टिचेस के ऊपर। अभी हम इसमें फर्स्ट में डिक्रीजेस करेंगे, हम इसमें हम टोटल 8 डिक्रीजेस करेंगे। 8 डिक्रीजेस हो गए, और जो रेस्ट 14 स्टिचेस बचेंगे सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर जो अभी हमारे पास टोटल 22 स्टिचेस बच गए हैं, तो नेक्स्ट हम जो 22 स्टिचेस हैं सबके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और हम टोटल 6 रोज बना लेंगे 22 स्टिचेस के ऊपर। ओके, 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अभी हम इसमें स्टफिंग कर लेते हैं, और जब हम इसमें स्टफिंग करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि हमें इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं करना है, मतलब इसको थोड़ा लाइटली स्टफ करना है जिससे कि ये सॉफ्ट रहे। फिर इसका जो देख लीजिएगा कि इसका जो मिडिल पोर्शन है वो कहाँ पे आता है, जैसे इस वाले लेग में मेरा मिडिल पोर्शन जो इसका यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ तक सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ इसको, जबकि मेरा देखिए स्टिच मार्कर जो यहाँ पे प्लेस्ड है। अभी सभी को हम सील करेंगे, दोनों साइड जो है इसके दोनों को हम सिक्योर करेंगे, सील कर लेंगे सिंगल क्रोशे से। मेरा यहाँ पर टोटल 10 सिंगल क्रोशे यूज़ हुए। लास्ट में एक स्लिप स्टिच करेंगे और इसको यार्न को कट कर लेंगे यहीं पे। इसी तरह से आप टोटल 4 लेग्स बना लीजिएगा। चलिए अभी इसके कान बना लेते हैं, और कान जो बनाएंगे वो हम दो पार्ट्स बनाएंगे, एक ब्लू में और एक ग्रीन में। तो ब्लू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैजिक रिंग बनाया हुआ है। मैजिक रिंग में टोटल 6 स्टिचेस डाली है, और इसके बाद हम सारे 6 जो स्टिचेस हैं सब में हम एक एक इंक्रीज करेंगे, और जिससे अभी मेरे पास 12।
फिर नेक्स्ट राउंड में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, जिससे राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 18 स्टिचेस बन जाएंगी। फिर दो सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज, और राउंड के एंड में हमारे पास 24 स्टिचेस बन जाएंगे। और नेक्स्ट और फाइनल राउंड में हम तीन सिंगल क्रोशे करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, और राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 30 स्टिचेस बन जाएंगे। लास्ट में एक स्लिप स्टिच और यान को कट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमारा जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो आएगा। नाउ इसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो बनाएंगे हम। उसके लिए हम मैजिक रिंग से स्टार्ट करेंगे अगेन, और मैजिक रिंग में हम 6 स्टिचेस डालेंगे। फिर सभी स्टिचेस में एक एक इंक्रीज करेंगे, जिससे हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस बन जाएंगी। और नेक्स्ट राउंड में एक सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज करेंगे, जिससे हमारे पास 18 स्टिचेस बन जाए। और इसका जो फाइनल और लास्ट राउंड होगा उसमें दो सिंगल क्रोशे, एक इंक्रीज, और लास्ट में हमारे पास 24 स्टिचेस बन जानी चाहिए। और लास्ट में एक स्लिप स्टिच और यान को कट कर लेंगे। ग्रीन वाले पोर्शन को जब ये ब्लू वाले पोर्शन में हम सिल देंगे तो इस तरह से लगेगा। और सिलने के लिए यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन वाला पोर्शन, इसका जो पीछे वाला लूप है, बैक साइड वाला लूप है, सिर्फ उसी को यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टिच होने के बाद ऐसा दिखेगा। प्लस फिर इसको हम एक साथ फोल्ड कर देंगे ऐसे, और इन दोनों पोर्शन को एक साथ सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप दो बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम इसका जो नोज़, उसके लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का यान लिया है, और येलो यान से मैंने मैजिक रिंग बनाया है। और मैजिक रिंग में मैंने टोटल 4 स्टिचेस डाली हैं। फिर उसको राउंड को क्लोज करके यान को कट कर लिया। यान थोड़ा लंबा रखा है मैंने, ताकि इसको हेड के साथ सिलने में आसानी हो। इसी तरह से आप दो बना लीजिएगा। और इसके जो आईज़ हैं उसके लिए मैंने यूज़ किया है मैजिक रिंग, जिसमें मैंने 6 स्टिचेस डाली हैं, और उसको एक सर्कल बना के थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लिया है, ताकि ये थोड़ा सा इलॉन्गेटेड लगे, क्योंकि इसके जो आईज़ हैं वो इलॉन्गेटेड शेप में रहेंगे, सर्कुलर वे में नहीं। और फाइनली इसका टेल बना लेते हैं। टेल बनाने के लिए मैंने 7 चेन से स्टार्ट किया है। और इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट वाला चेन है उसको हम स्किप करेंगे, और बाकी के जो 6 चेन बच जाएंगे सब में हम एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। सिमिलर वे में जो इसका जो नेक्स्ट साइड है वहाँ पे भी हम 6 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर अभी हमारे पास टोटल 12 6x6 टोटल 12 स्टिचेस हैं। तो 12 स्टिचेस के ऊपर हम 10 रोज बनाएंगे, 10 रोज सिंगल क्रोशे करेंगे बिना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किए हुए। कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने 10 रोज कंप्लीट करने के बाद इसको सिंगल क्रोशे से सिक्योर कर लिया है, 5 सिंगल क्रोशे से। तो ये इस तरह लगेगा ये। तो अभी इसके सारे बॉडी पार्ट्स रेडी हो गए हैं, तो मैं सारे पार्ट्स को एक साथ स्टिच कर लेती हूँ। ओके, सो अभी हमारा हिप है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, इसको मैंने स्टिच कर लिया है, और जो बॉडी के साथ जो इसके पैर है वो इस तरह से स्टिच होंगे कि जो वाला पोर्शन है आगे की तरफ फ्रंट साइड में फेस करते हुए चारों लेग्स इसके। और इसको हम स्टिच करेंगे, ये जो बॉडी में हमने यहाँ पे बैक लूप्स के ऊपर जो काम किया था, बस उसी लूप के आगे वाले एक रो में स्टिच कर लीजिएगा। और इसका जो टेल है वो बीच वाले पोर्शन में इसको फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे हमने ये स्टिचिंग किया था। इस वाले पोर्शन के बस थोड़ा सा नीचे इसको स्टिच कर दीजिए, और जो हेड है वो इस तरह से बॉडी के साथ जुड़ेगा, जहाँ पे हमने ये वाला पोर्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हेड आएगा, जो हमने फोल्ड करके इसको स्टिच किया था, इसके आगे इसको इस तरह से स्टिच करना है। और इसके आईज़ यहाँ पर लगाए हैं मैंने। अगर ये वाले रोज हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9th रो से लेकर 11th रो के बीच में लगाया है और यहाँ पे मैंने वाइट कलर से डॉट्स जैसा या तो थोड़ा सा वाइट कलर का यान से यहाँ पे एक लाइन बनाया हुआ है और इसके जो नोज़ है वो जहाँ पे आईज ख़त्म हो रही है वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ और सिक्स्थ रो के बीच में इसको आप लगा सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया है बट फिफ्थ और सिक्स्थ रो में दो रोज़ पे या तो थोड़ा सा तीन रो पे भी आ जाएगा तो भी इशू कोई इससे कोई इशू नहीं होगा। तीन रोज़ पे भी आप इसको लगा सकती हैं। और यहाँ पे नीचे मैंने माउथ को इसका स्टिच किया है ब्लैक कलर के यान से और यहाँ पे इसके मैंने दांत बना दिए। दांत बनाने के लिए मैंने वाइट कलर का यान यूज़ किया है और वाइट कलर का यान मैं डबल करके यूज़ किया जिससे जल्दी से बन जाए क्योंकि सिंगल यान से बनाने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने डबल यान से इसको बनाया है। इसके लिए मैंने जो दो रोज़ हैं दो रोज़ को वाइट कलर के यान से कवर किया है और इसके जो कान है वो जो यहाँ पे एकदम एंड में दोनों साइड पे एक एक लगाया हुआ है। तो हमारा हिप्पो रेडी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।